भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं सर्कल के अगले पार्ट पर, और इस पार्ट में हमको एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और ये कॉन्सेप्ट है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। देखो मान लो एक सर्कल हमको दिया गया है और ये इसका डायमीटर है, कोई भी डायमीटर हो सकता है, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, बहुत सारे डायमीटर होते हैं। और मान लो ये डायमीटर के एक एंड दिया गया है x1 y1 और दूसरा एंड दिया गया है x2 y2। डायमीटर का एक एंड है x1 y1, एक है x2 y2, ये दिया गया है। अब हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो देखो इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर जीरो। ये इसका इक्वेशन होता है सर्कल का, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तब। इसको डायरेक्ट लगा करके आप सवाल को कर सकते हैं। ये फार्मूला कहां से आया देख लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो कहां से ये फार्मूला है, ऐसा करें जो सर्कल है ना, सर्कल इस पर एक पॉइंट मान लें P, P पॉइंट को मान लो एच के कह दे, एच के एक्चुअली इसी का लोकस ये सर्कल होगा, इसी पॉइंट जब ये पॉइंट घूमेगा तो सर्कल बनाएगा। तो हमने पी पॉइंट को एच के मान लिया, अब हमें इसका लोकस निकालना है। लोकस का मैंने तरीका बताया था। अब देखो लोकस निकालना है किसका, पी पॉइंट का, जो पी का लोकस होगा वही सर्कल का इक्वेशन बनेगा। अब देखो अगर मैं पी ए को पी बी से मिला दूं तो चूंकि पी ए तो ये तो डायमीटर है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, और इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का हो गया क्योंकि ये डायमीटर है। पी को मैंने एच के मान लिया क्योंकि मुझे पी का लोकस चाहिए। लोकस का ये कॉन्सेप्ट होता है, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, पहला लेक्चर लोकस का ही था, भाई मेरे पढ़ लो महाराज पहले, लोकस के बिना कुछ नहीं है पूरी कोऑर्डिनेट में। स्ट्रेट लाइन में भी लोकस डिटेल से पढ़ाया है मैंने, भाई मेरे लोकस से ही कोऑर्डिनेट शुरू होती है, लोकस पे ही कोऑर्डिनेट खत्म होती है, लोकस को पढ़ लो पहले। ऐसे शॉर्टकट की पढ़ाई बढ़िया नहीं है कि बिना लोकस पढ़े चल दिए, हाँ पहले पढ़ो ध्यान से, डिटेल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो P का लोकस चाहिए, उसको एच के मान लिया, अब हम एच के में रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे निकालेंगे, चूंकि ये एंगल 90 है तो जब ये एंगल 90 है तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, m1 into m2 कितना होगा माइनस वन। तो देखो m1 निकाल लो किसका, स्लोप ऑफ पी ए, पी ए का स्लोप कैसे, k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन। अब निकालो m2, m2 क्या हो गया बोलो, स्लोप ऑफ pb, तो क्या हो गया बोलो, k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। अब चूंकि इनके बीच का एंगल 90 है तो इसका मतलब m1 इंटू m2 कितना होगा, माइनस वन होगा, समझो है ना। तो m1 का मतलब क्या हो गया बोलो, k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, और m2 कितना हो गया बोलो, k माइनस वाई टू अपॉन एच माइनस एक्स टू, और इक्वल टू कितना हो गया बोलो, माइनस वन हो गया, समझो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k माइनस वाई वन और k माइनस वाई टू इक्वल टू माइनस h माइनस एक्स वन और h माइनस एक्स टू, इसको एक तरफ ले आओ तो क्या हो गया, h माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू प्लस k माइनस वाई वन इंटू k माइनस वाई टू बराबर जीरो। और इसके बाद देखो ये h के में रिलेशन आ गया, अब h की जगह लिख दो x और k की जगह लिख दो y, तो यही आंसर आ गया, बात समझे, h की जगह लिख दो x, k की जगह लिख दो y, यही तो लोकस का मेथड होता है भैया, बहना, मुन्ना, मुन्नी, कैसे समझाऊं, किस नाम से पुकारूं, बच्चा, बच्ची,
लल्ला लल्ली लिखो जल्दी लिखो। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। देखो एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 3, 4 and 6, 8। डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, हमको सर्कल का इक्वेशन चाहिए। देखो एक तरीका तो ये है कि ये अपना x1y1 है और ये अपना x2y2 है, लगा दो फार्मूला, रट्टू तोता बन जाओ, रट्टू तोता बन जाओ, लगा दो फार्मूला। x-x1, x-x2, y-y1, y-y2 बराबर 0, रट्टू तोता बन के लगा दे फार्मूला, है ना। क्या है देखो, x-3 और x-6 प्लस y-4 और y-8 बराबर 0, सिंप्लीफाई करने आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तरीका और है जिसमें हमें जरूरत ही नहीं इस फार्मूले की। तो कैसे, मान लो ये अपना सर्कल है और ये मान लो एक एंड है 3, 4, ये दूसरा एंड है मान लो 6, 8, है ना, दो एंड है, अब इनका सेंटर यहां कहीं होगा सी। तो देखो हम क्या करें, सेंटर को निकाल लें। सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो क्या होगा, 3 + 6/2 कॉमा 4 + 8/2। भाई एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा सर्कल का। दूसरा तरीका देखो ये है कि हम इस फार्मूले को ना याद करें, जरूरत नहीं याद करने की है, हम क्या करें, देखो एंड पॉइंट मालूम है तो सेंटर निकाल लें। सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, देखो ये आ गया कितना, 9/2, 6। अच्छा फिर क्या करें, देखो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, ए बी, वो डायमीटर होगा। तो ए बी डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 + 16, 25 / 5 आ गया। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, ए बी का आधा। तो रेडियस क्या हो गया बोलो, 5/2 हो गया। अब तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, तो सर्कल का इक्वेशन कौन नहीं निकाल लेगा, तुम्हारा छोटा भाई भी निकाल लेगा। तो क्या हो गया बोलो सर्कल का इक्वेशन, x-9/2 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर बराबर r2। तो 5/2 का स्क्वायर। तो ये और ये दोनों सेम आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी वही आएगा जो ये आएगा, बात समझे ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसको निकाल लोगे, दोनों के आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, समझ गए। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड पॉइंट्स आर गिवन। आसान कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।